कह रही करी बन रही है अगवानी, करी बन रही है, चिकन करी बन रही है, कलर जो है वो बड़ा मज़ेदार वाला आ जाए। तो ये मैंने, अच्छा ये मैंने थोड़ा छोटी मुर्गी ली है, ठीक है, ये देखिए इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये छोटी वाली मुर्गी है। तो ज़्यादातर हम बिरयानी वगैरह के लिए बड़ी मुर्गी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप सालन कोई बना रहे हैं तो कोशिश करेंगे छोटी मुर्गी लें। तो यहाँ पर ये जाएगी चिकन, ठीक है, इसके अंदर अदरक लहसुन के साथ, इसको अदरक लहसुन के साथ थोड़ा फ्राई करेंगे, ठीक है, अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से इसको आपने फ्राई करना है। अब मैंने चूल्हा इसलिए बंद किया कि ये भी थोड़ा सा उड़ेगा, जाहिर है ऑयल है, पानी की वजह से थोड़ा सा उड़ जाना शुरू होता है। तो अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करना है और इसको हमने करना है कवर। अच्छा अब क्या करूँगी, इसको थोड़ी देर रखती हूँ, ढक देती हूँ यहाँ पर, ताकि ये आराम से थोड़ा सा गले और फ्राई हो। अच्छा अब मेरे पास जो मसाले हैं, मसालों का आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर एक बॉल के अंदर डाल देंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाती है, आप आराम से इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर ज़ीरा, काली मिर्च, ठीक है, इसमें भी हरी मिर्च आएगी, हरी मिर्च का ही फ्लेवर आएगा। आपको पता है ज़्यादातर जो अफगानी डिशेज इस तरह की होती है वो लोग मिर्च का कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इसको फ्राई करने रखा है, ये काली मिर्च, ज़ीरा, थोड़ा सा नमक, इसके साथ हरी मिर्चें छोटी वाली, हरी मिर्च, दही, दही को फेंट के डालेंगे, हरी मिर्चों को आपने बीच में से दो दो हिस्से कर देने। इसका चूल्हा बंद हो गया, इसको इसको थोड़ा सा पकाना है, ठीक है, और इसको भी थोड़ा स्लो कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये फ्राई हो। अच्छा ये हरी मिर्चें बीच में से इसके दो दो हिस्से, थोड़ा मैं इसको बंद करती हूँ तो फिर मैं इसका कवर उठाऊँगी, वरना आपको पता है ऑयल उड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये हरी मिर्चों को मैंने बीच में से दो दो चाक कर लिया। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ठीक है, ये मसाले के साथ, काली मिर्च, हरी मिर्च, इसके साथ यहाँ पर आपने देखा ज़ीरा, साथ में हरी मिर्चें, इसको थोड़ा देर इस तरह से, ये देखें कलर भी इसका थोड़ा सा गोल्डन आ गया और थोड़ा सा इसका पानी भी ड्राई हो गया। तो बंद इसलिए कर दिया था कि ये थोड़ा आपको पता उड़ना शुरू हो जाते। यहाँ पर दही को थोड़ा सा फेंट लेंगे अच्छी तरह से, आप चाहें तो ब्लेंडर में दोनों चीज़ें एक साथ डाल भी सकते हैं, ठीक है, ब्लेंडर में दोनों चीज़ें डाल देंगे। इमली का काम ख़त्म हो गया, इमली हमने जो डाली थी यहाँ पर इसमें, तो इमली को तो मैं साइड पे कर लेती हूँ, और ये हमारी कड़ी वाली डिश भी, इसको भी हम साइड पर कर लेते हैं ताकि हमारा ये एक चुका है, और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा भुनाई करती हूँ। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, टमाटर और दही को ग्राइंड करके इसमें डाल दी है, ये देख लीजिएगा, ठीक है, ये आराम से पकता रहेगा, इसी के अंदर ड्राई हो जाए डालती हूँ। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप, मतलब वरना बहुत सारे कहते हैं कि चॉप करके डालें, ग्राइंड कर वो करके डालें स्लाइस में, तो लेकिन मैं इस तरह नहीं करती, मैं इस तरह से साबुत साबुत डालती हूँ। चले जी, चलो जी, अच्छा ये प्रॉपर तरीके से वैसे रेडी है, कुछ भी इसका नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको मैं ड्राई करूँगी यहाँ पर।